राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने काशी के युवाओं पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें नशेड़ी कहा था और इसे लेकर पीएम ने तीखा पलटवार किया और कहा कि जिनके खुद के होश ठिकाने नहीं वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा, वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है, ये कैसी भाषा है भाई। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने दो दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में नरसिंह फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सीबीआई ने जबलपुर हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ये रिपोर्ट जो है ये तीन कैटेगरी में सौंपी गई है। सीबीआई ने हाईकोर्ट को तीन कैटेगरी में जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें पहली कैटेगरी में वो कॉलेज आते हैं जो चलाने लायक नहीं है, दूसरी कैटेगरी वो है जहां कमियां पाई गई है, तीसरी कैटेगरी वो जो कॉलेज चलाने लायक ही नहीं है। भोपाल के गांधी मेडिकल नर्सिंग कॉलेज समेत 9 शासकीय कॉलेजों में कमियां पाई गई हैं। गिरिवा का शासकीय नर्सिंग कॉलेज चलाने की स्थिति में ही नहीं है। कॉलेजों के निरीक्षण की रिपोर्ट भी सौंपी गई है। प्रदेश के 310 कॉलेजों में से 66 की हालत बेहद ज्यादा खराब इस रिपोर्ट में बताई गई है। 66 नर्सिंग कॉलेज ऐसे जो सिर्फ कागजों में सीमित है, जिसमें एक सरकारी शासकीय कॉलेज भी शामिल है। सीबीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, 310 में से 73 कॉलेज में भी हालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। 73 कॉलेजों में नर्सिंग स्टाफ को लेकर कई अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके अलावा जांच में 310 कॉलेज में 169 ठीक पाए गए हैं। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में हाईकोर्ट ने दरअसल जांच के निर्देश दिए थे और इन्हीं निर्देशों के बाद सीबीआई को कोर्ट ने कॉलेज पहुंचकर निरीक्षण करने के लिए कहा था, रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। और फर्जीवाड़े के कारण बीते 4 साल से बता दें कि यहां पर परीक्षा नहीं हो पाई है, इसकी वजह से छात्र खासे परेशान है, अपने भविष्य को लेकर खासे चिंतित हैं। सरकार ने इस नियम के आधार पर अब जो पिछले पहले के नियमों में 23,000 वर्ग फीट की आवश्यकता होती थी नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए, सरकार ने उसको घटा करके 8,000 वर्ग फीट के आसपास ले आई है। इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि जो नर्सिंग कॉलेज इन जांच रिपोर्ट में गलत पाए गए थे, अगले ही वर्ष में वो सभी फिर से पात्र की श्रेणी में आके खड़े हो जाएंगे। और सरकार ने ये सारे प्रावधान भारतीय उपचर्य परिषद जो INC है, जो इसकी अपेक्स बॉडी है, उसके प्रावधानों के विपरीत जाकर के किए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।